Hunar Hale. साज वो बेटी आज घर से सेट तक का सफर कर रहा है चिरत थपकी प्यार की नई थपकी उर्फ लवली यानी हुनर हाले के साथ। न्यूली वेड हुनर है रियल लाइफ में बेहद संस्कारी, जो अपने किचन में काटती हैं सब्जियां, बनाती हैं अपना डब्बा, सजाती हैं अपना घर, लेकिन छत पर पहुंचते ही साड़ी बड़ी पहनकर बन जाती है खतरनाक लवली, जो थपकी की हम शक्ल बनकर थपकी के घर में आ गई है। लवली से मिले? हाँ, मैंने उसे इधर मिलने के लिए बुलाया था डांचो का बहाना बनाकर। लेकिन क्यों? तुम्हें यकीन दिलाने कि मैं ही थपकी हूँ। तो कैसी होती है हुनर हाले की मॉर्निंग, कैसे वो सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेती हैं, सेट पर कैसे बन जाती हैं थपकी की सबसे बड़ी दुश्मन, भाई ये सब जानने के लिए सुबह सुबह हम हुनर हाले के घर पहुँचे, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे जाने वाला है दिन पूरा? आई डोंट नो, मैं तो फटाफट जिस जल्दी जल्दी सब कुछ तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं फटाफट निकल सकूँ, एंड दैट्स इट। तो पूरा दिन नाउ आप लोग मेरे साथ बिताएंगे, एंड आई थिंक इट्स गोना बी फन। मतलब थोड़ा बहुत असली हुनर को जानने को मिलेगा रादर देन शूटिंग वाली हुनर को, सो आई थिंक इट विल बी फन, मज़ा आएगा। भाई हुनर अपनी मॉर्निंग की शुरुआत बड़े ही संस्कारी अंदाज में करती हैं। सबसे पहले पूरे घर में अगरबत्ती करती हैं। चलो अभी टाइम हो गया है, सो आई थिंक हम निकला जाए और काम पे जाया जाए। मेरा टिफ़िन भी बन गया है, मेरा बैग भी रेडी हो गया है, एंड लेकिन हाँ, शूट पे जाने से पहले बस हम थोड़ी देर बाबा जी के दर्शन करके जाएंगे। हाँ, घर पे तो मैं अगरबत्ती करती ही हूँ, बट एक बार बाबा जी को भी हाय हेलो करके ही जाती हूँ काम पे। उसके बाद चाय का प्याला लेकर पढ़ती हैं अखबार और फिर जाती हैं अपनी रसोई में। हाल ही में हुनर की शादी मयंक गांधी से हुई है, इसलिए अभिनेत्री होने के साथ साथ ये एक बीवी भी हैं, इसलिए उनकी मॉर्निंग का सबसे पहला कार्य होता है रसोई घर में सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना। मेरी हेल्प करते हैं, you know, तुम ऐसे इधर देखोगी तो अब मैं इससे बात करती हूँ, मेरी उधर देख के बात तो शी हेल्प्स मी इन कुकिंग, एंड मेरे मेरा टिफ़िन पैक करने में मेरी मदद करती है, एंड आज क्या बनाया हमने? छोले पूड़ी। कितनी पूड़ी बनाई है? सात बना दी। अच्छा, देखो सात पूड़ी बनाई है उन्होंने, सात पूड़ी, इसलिए मेरी सेहत इतनी अच्छी है, देखो इतना अच्छे अच्छे खाना बनाती है। भैया हुनर की रसोई में पक रहे हैं पूरी और छोले। अब मैं बना रही हूँ मयंक का खाना फटाफट, एंड ये तो उसका पानी है ना। तो मेरी बेबू आज आने वाले हैं ना, वो दिल्ली गए, तो वो आज आने वाले हैं, तो इसलिए मैं अपने हाथों से उनके लिए खाना बना रही हूँ, ताकि जब वो आए उन्हें मेरे हाथ का अच्छा अच्छा खाना मिले खाने के लिए। वैसे हुनर खुद भी रसोई के काम में बड़ी ही माहिर है। देखिए कैसे सब्जी काट रही हैं और बना रही हैं अपना डब्बा।
चले भाई डब्बा तो तैयार हो गया, लेकिन अब घूमते हैं हुनर का घर। शादी के बाद हुनर अपने हस्बैंड मयंक के साथ इस घर में शिफ्ट हुई हैं और उन्होंने बड़ी ही छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीजों से घर को सजाया है, फिर चाहे वो ड्रीम कैचर हो या फिर हो उनकी वॉल की ये पेंटिंग्स। ये मेरे फादर इन लॉ है, वो मेरी मम्मा है, एंड दिस इज माई बेबू एंड मी, एंड दैट्स माई शादी की फोटो, दैट्स माई बेबू। देखो टाइम क्या हुआ है, 7:15 हो गए। अब हमें निकलना है फटाफट। ये तो दिस इज शादी की पिक्चर्स, दिस इज लिल बिट ऑफ यादें मेमरीज एंड ऑल, दिस इज माई रूम। आर लव इज अ स्टोरी विदाउट एन एंड, मतलब मेरा और मेरे बिबू का प्यार इज लाइक समथिंग विच इज एंडलेस। ये मिस्टर राइट मिसेज राइट दैट ये वही है, तो ये मिसेज राइट है तो इसलिए यहाँ पे मैं सोती हूँ, एंड वो मिस्टर राइट है तो वो उधर सोते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी क्यूट एंड वेरी फनी, आई लाइक सच क्यूट क्यूट थिंग्स, तो इसलिए मैं उसको कलेक्ट करती रहती हूँ। ड्रीम कैचर कहते हैं कि नींद आपको नाइटमेयर्स नहीं आते हैं और बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं थोड़ी सी सुपरस्टिशियस हूँ, बट मोर देन दैट मुझे ये बहुत क्यूट लगा, तो इसलिए आई जस्ट बॉट दिस। एंड इसके पीछे ये देखो, ये एक शैंडलर है विच हैज दिस गन्नू बाबा इनसाइड, तो सब कुछ बहुत सिंपल है। ये बुद्धा जी है, मुझे बहुत इट गिव्स पीस टू यू एज ए पर्सन, एंड देन दैट्स माई बाबा जी, वहाँ से लाइट, दैट्स गन्नू बाबा, गणेश जी हैं, एंड वो थोड़ी बहुत मेमोरीज है। वैसे रियल लाइफ में बड़ी ही संस्कारी है हुनर, इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेना तो बिल्कुल नहीं भूलती। तो आखिरकार हुनर का डब्बा तैयार है और जाने से पहले ये अपने हाथों से बनाती है फ्रूट शेक। के बाद अपना बैग और डब्बा तैयार करती हैं और हाथों में वाटरमेलन लिए निकल पड़ती हैं अपनी सेट की ओर। होना रहती है मुंबई के गोरेगांव इलाके में और इनका सेट है मुंबई फिल्म सिटी में, जाने में लगते हैं बस आधा घंटा, और आधे घंटे का सफर ये खुद गाड़ी ड्राइव करके करती हैं। दिल्ली की रहने वाली हुनर को भगवान में बेहद आस्था है, इसलिए सेट पर जाने से पहले ये रोज गुरुद्वारे के दर्शन किए बिना नहीं जाती। तो आज सास बहू बेटिया के साथ ये फिर से बाबा जी के दर्शन करेंगी और लेंगी भगवान का आशीर्वाद। तो चलिए हुनर के साथ चलते हैं गोरेगांव के इस गुरुद्वारे में जहाँ वो रोज जाती है सेट पर जाने से पहले। हाँ, तो अभी हम ऊपर जाएंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारी मदद करना, हमारा दिन अच्छा जाए। रोज करती है ये, मतलब मंदिर जितना आपको टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे घर के एकदम पीछे ही है गुरुद्वारा, तो शूटिंग पे जाने से पहले मैं अगर वक्त है तो गुरुद्वारे तो होके ही जाती हूँ। अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच है भी सच नानक हो से भी सच। मयंक जी भी इन्हां नाल जेड़े बहुत ही श्रद्धा भावना रखते ने, मयंक जी भी इन्हां दे नाल गुरु घर विच आउंदे ने, पाठ पूजा कीर्तन सरवण करदे ने अते गुरु दा बहुत सत्कार करदे। महाराज कृपा करन, असी यही महाराज दे अग्गे अरदास करांगे कि सदा ही गुरु दे नाल दोवें जुड़े रहन ते सदा ही गुरु महाराज इन्हां नूं खुशियां बख्शिश करदे रहन ते महाराज ऐसी रहमत बख्शिशां करन। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरुद्वार में बाबा जी का आशीर्वाद ले लिया और अब वक्त है सेट पर जाने का। अब मेरे बाबा जी के दर्शन तो हो गए, तो अब मैं फटाफट जाती हूँ और अपने सेट पे पहुँचती हूँ। तो चलिए निकल पड़ते हैं हुनर के साथ उनके सेट की ओर। चूँकि हुनर का घर और सेट ज्यादा दूर नहीं, हम मात्र आधे घंटे में पहुँच गए थपकी प्यार की के सेट पर। तो फाइनली वी हैव रीच्ड थपकी प्यार की। बहुत ही प्यार प्यार से हम थपकी प्यार की के सेट पे पहुँच गए। तो अब कितना टाइम लगने वाला है हुनर को थपकी बनने में? थपकी बनने में आई थिंक 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो चलते हैं मेकअप रूम में। हाल ही में हुनर की एंट्री हुई है सीरियल थपकी प्यार की में, लेकिन छोटे से समय में ही उन्होंने यहाँ पर काफी सारे दोस्त बना लिए हैं। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट, है ना? देखा, मुझे पता था। एंड ये 9 बजे का कॉल था मेरा। ओके ओके। और ये है हेमा, तो ये मुझे इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, प्यारी प्यारी ड्रेसेस देती हैं ताकि मैं सुंदर 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 लगूँ। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी लुक सो प्रिटी। ये मुझे इन सबसे जया जी ने मिलवाया था, क्योंकि ये इधर ही बॉर्न हुए हैं और यहाँ पे बड़े हो गए हैं। इनका नाम मैं भूल गई। नहीं, ये टीका लाल है मेरे ख्याल से। आप टीका लाल हो? नहीं ना? अरे नहीं है फिर टीका लाल नहीं है। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मतलब नहीं है टीका लाल। ये है सुषमा ताई, तो ये मेरी हेल्प करते हैं मेरे इतने सुंदर सुंदर बाल बनाने में। तो एक्चुअली मैं इतनी प्रिटी लगती हूँ तो वो है इनकी वजह से। और गुड्डू दादा है जो कि मेरे मेकअप करने में मेरी हेल्प करते हैं। आ जाओ दादा, तैयार हो जाते हैं फटाफट। अब चलते हैं हुनर के मेकअप रूम में और देखते हैं कि कैसे हुनर बन जाएंगी यूपी की प्यारी सी बहुरानी थपकी, जो थोड़ा हकला कर बोलती है, साड़ी पहनती है और ऐसा ही लुक ले लेती है हुनर जब वो बन जाती है थपकी। इसलिए उनके खुले हुए बाल बन गए चोटी में, माथे पर लग गई बिंदी और सिंदूर और मॉडर्न ड्रेस की जगह आ गई। ऐसे तो कोई भी अचानक से आ नहीं जाता और किसी का कुछ वो करने नहीं लग जाता बुरा। ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी हर इंसान अगर कोई चीज़ करता है जो शायद दूसरे के लिए गलत हो या बुरा हो, तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो इसके भी कुछ कारण है। ये अभी मैं अपने फाइनल ईयरिंग्स वगैरह पहन रही हूँ ताकि मैं भागूँ। ये लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे खबर मिली है, कुछ पता चला है। तो आई थिंक सेट पे जाना जरूरी है फटाफट। अब चलते हैं थपकी प्यार की के सेट पर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट फिल्माया जा रहा है। भाई शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है और आखिरी लम्हों में हो गई है जिज्ञासा सिंह की एंट्री और ये खुलासा हुआ कि ये नई थपकी कोई और नहीं बल्कि लवली है, जिसने पुरानी थपकी को कैद कर लिया है। देखिए कैसे नायिका बन गई खलनायिका, यानी असली थपकी ने आकर पुरानी थपकी का पर्दाफाश कर दिया। भले ही छोटे से वक्त में हुनर को ये बहरूपिये वाला रूप करने में बड़ा ही मजा आ रहा है। तरह तरह के सीन्स करने को मिल रहे हैं। पूरे दिन की लंबी शूटिंग के बाद अब वक्त है लंच का। तो चलिए देखते हैं हुनर के डब्बे में आज क्या है। ओह वाओ, पूरी है। आई लव पूरी। एंड गुरुद्वारे का प्रसाद भी है, तो आई थिंक ये तो ऑसम लंच हो जाएगा। हुनर को छोले और पूरी का बहुत शौक है और आज बाबा जी के प्रसाद के साथ वो मजे से कर रही हैं अपना ये संस्कारी लंच। कंचक टाइप होता है, तो कैसे वो चने मिलते हैं और वो चने को ऐसे हलवा में डाल के प्रसाद के अंदर डाल के ऐसे खाते हैं, कितना अच्छा टेस्टी होता है ना।
लंच के बाद हुनर के कुछ और सीन्स हैं, जहां पर उनके किरदार का खुलासा हो रहा है। भाई लगता है कि थपकी प्यार की एंड होगा इस खास ट्विस्ट के साथ। भाई शूटिंग तो चलती रहेगी, लेकिन अब वक्त है सास बहू और बेटा के जाने का। आज मेरी लाइफ में मसाला जरूर क्रिएट हुआ है, और वो है सास बहू और बेटियाँ की वजह से, क्योंकि उन्होंने आज मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना वक्त बिताया मेरे साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हर रोज़ घर से लेके सेट तक आने का सफ़र अकेले तय करना, और फिर जब वही सास बहू और बेटियां मेरे साथ आए और मेरे ही साथ उन्होंने दे टुक पार्ट इन मी डूइंग अगरबत्ती इन फ्रंट ऑफ माय बाबा जी, एंड दे केम विद मी टू द गुरुद्वारा। मतलब बाबा जी के साथ आप लोगों का आना तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी। इट्स अ प्लेजर एंड आई एम रियली ओब्लाइज, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि हुनर हाले के साथ पूरा दिन बिताकर आपको दिल्ली की इस अनजानी लड़की के बारे में वो छोटी छोटी बातें पता चली होंगी जो आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। मुंबई से रूपम मौची के साथ आज तक ब्यूरो।